अभी हम रामनगर आ रखे हैं करवा चौथ की शॉपिंग करने के लिए, और आज जो है काफ़ी भीड़ है यहाँ पे, क्योंकि कल का दिन छोड़ के परसों को करवा चौथ का त्यौहार है। हेलो, नमस्कार, प्रणाम, पलाक, कैसे हैं दोस्तों आप सब? एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे न्यू ब्लॉग में। और आज है करवा चौथ का सेकंड करवा चौथ है, तो देखते हैं कितनी भूखी प्यासी हैं, सुबह से बात करते हैं उनसे, क्योंकि मैं तो अभी आया ना शाम को ड्यूटी से, बात करते हैं कितना संघर्ष कर रहे हैं सुबह से आज। दीपू भाई यहाँ पे राजा है यहाँ के। अरे भाई साहब, चुनी गली के कोई भी आइटम खरीदना संपर्क कर लेना भैया। उधर ब्लॉग देखते हो हमारे? हाँ यार, मैं लाइक करता हूँ, सब्सक्राइब कर रहा है, किसी बात कर रहे हैं, कैसे लगते हैं आपको हमारे यार? सीनियर भी मस्त लगते हैं आपके ब्लॉग यार। रामनगर करवा चौथ स्पेशल शॉपिंग यहाँ पे चल रही है, देख रहे हैं आप अलग अलग बाजार से दुकानें सजी। तो यहाँ पे करवा चौथ के उपलक्ष्य पे गांव की सभी महिलाओं द्वारा एक साथ मिलके सूर्य भगवान को अर्घ्य देकर पूजा पाठ कथा का वाचन किया जा रहा है। आप देख रहे हैं मेरे साथ हैं मिस्टर मिसेस गर्मी से हालत आशा रावत। हाय, हेलो, कैसे हैं आप? बढ़िया। पहले तो आपको सबसे पहले करवा चौथ की बहुत बधाई है, तो क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई आज ब्लॉग जरूर बनाना करवा चौथ पे। और वैसे तो हमारा सेकंड करवा चौथ है, लेकिन ब्लॉग बनाने का पहला आपके साथ अवसर मिल रहा है करवा चौथ पे, तो कैसा लग रहा है, फील हो रहा है? कैसा फील होता है व्रत बता दो, कैसा फील होता है मतलब बिना निर्जल व्रत? निर्जल में क्या होता है, प्यासी तो लगती है। पूरा लोटा पानी पीना पड़ेगा। हाँ। मैडम जी हो गई हमारी तैयार बिल्कुल चांद के इंतजार में, और 8 बजे का टाइम दिया था लेकिन 8 बजे से भी ऊपर का समय हो गया है, अभी चांद तो दिख नहीं रहा कहीं भी, तारे तारे दे रहे हैं। आज अभी मैं हूँ अपनी नानी के साथ। नानी नमस्कार। नमस्कार जीजा, ठीक ठाक है? सब ठीक जी। आप नानी जी हमारी आराध्य को दूध पिला रही है, अभी देखो हमारे बाबू दूध पी रहे हैं, और यहाँ पे आग सिखाई। आज नानी के साथ हैं और नानी इनकी नलाई धुलाई तपाई करती हैं। नानी आपका थैंक यू है, थैंक यू। और नानी जो है इसकी सेवा में लगी रहती है हमारी, बहुत सारा आशीर्वाद नानी का रहेगा इसके साथ। और जब चांद तो भी आया नहीं तब तक, ऐसे देख लो फिर मुझे मेरा चांद मेरे पास। यार गाइस अभी छत पे आ रखा हूँ और अभी चांद तो दिख नहीं रहा, केवल तारे तारे दिख रहे हैं पूरे आसमान में। जितने जल्दी चंद्रमा आएगा तो उस हिसाब से फिर हम। तो गाइस पूजा पाठ हो गई है, अब सारा सामान रेडी है, चांद का इंतजार है। तो अभी भी चांद का इंतजार हो रहा है, हम आ गए हैं टीवी देखने के लिए पापा के साथ, अब दिखाते हैं यहाँ पे न्यूज़ में क्या आ रहा है। अब ये देखो अभी भी न्यूज़ में दिखा रहे हैं कोलकाता में नज़र आ गया है, अब उत्तराखंड में पता नहीं कब पहुँचेगा, लखनऊ में भी नज़र आ गया। चांद का दीदार करने के। हाय कुसुम, हेलो, कैसे हैं? बढ़िया। सच में? हाँ। अबे भाई सही से देख के यार, सच्ची आ गया। बड़ा है छोटा है? बड़ा है। चलो थैंक यू। दीपू ने बताया कि चांद आ गया है, अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, तैयारी करते हैं पूजा पाठ। आ चुका है चांद, आ चुका है। Thank you.
ये है चांद दिखा के इनको। तो देख रहे हैं आप, मम्मी जी भी हमारे साथ में है, मम्मी जी भी आशीर्वाद देते हुए, और मम्मी के लिए स्पेशली कुछ है सरप्राइज, वो हम दिखाते हैं आप। मम्मी क्या है गिफ्ट आज? आज गिफ्ट है मेरी बहू मेरे लिए पूरा सिंगार का सामान ला रखे, बनियान ला रखे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई हो, जय माता दी। बेटा भाई बहू के लिए गाइस, पूजा पाठ पूरी हो गई है और चांद आ गया था टाइम से क्या थोड़ा लेट ही हुआ था, 9 बज गए करीब। तो आप भोजन की तैयारी करेंगे और ब्लॉग को ही रुकना पड़ेगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करेगा, कमेंट जरूर करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक देखने शेयर करें। थैंक यू सो मच, गुड बाय, थैंक यू।